जय जवान, जय किसान, जय बलराम। नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंदौर मंडी भाव यूट्यूब चैनल पर। मैं भरत रोज की तरह आपको दिखाने वाला हूँ इंदौर मंडी में भाव। किसान भाइयों, ये वाला वीडियो हमारा किसान की बात किसान के साथ वाला वीडियो, लेकिन आज किसान की बात किसान के साथ में बात नहीं हो पा रही है। बात क्या है? बहुत बड़ी बात है। मैं समझता हूँ कि मुझे ये चीज़ आपको बोलना चाहिए। मैं किस वजह से बोल रहा हूँ, क्योंकि हम लोग आपस में इस तरह से जुड़ चुके हैं कि जब आपका नुकसान होता है ना, तो कहीं ना कहीं दिल को ठेस पहुंचती है। मैं सही बात बता रहा हूँ, मतलब जब आपका नुकसान देखता हूँ मैं कि यार आपको भाव नहीं मिलता है या वो चेहरे पे खुशी नहीं आ पाती है, तो कहीं ना कहीं मैं भी उस सिचुएशन में दुखी हो जाऊँ। आपने मेरा चेहरा देखा होगा। मैं कोशिश यही करता हूँ, मैं हंसता रहा हूँ हर दम, लेकिन मैं अंदर से जब पूरी तरह से कब हंस पाता हूँ, जब कहीं ना कहीं किसानों को भाव बहुत अच्छा मिलता है और कहीं ना कहीं उनको उनके चेहरे पे खुशी आती है। मैं हमेशा, मेरी कोशिश यही रहती है कि आपके चेहरे पे कहीं ना कहीं खुशी आए। भाव देखो बढ़ेगा घटेगा वो सब कुछ चलेगा, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे कि मैं अगर आपसे बोलूँगा, अभी मैं जो आगे एक वीडियो बता रहा हूँ, पहले आप वो वीडियो देखिए। मुझे इतना दुख हुआ उस चीज़ से। हम किसान भाई, ये 500 रुपये क्विंटल भी बिकता है। देखो, अगर मैं पहले ही बोल रहा हूँ आपको, ये देखो इसमें पोचापन आ गया, कालापन आने लग गया। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बोला था एक बात कि इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना कि ये कालापन अगर आएगा तो आपका लहसुन का वैल्यू कुछ भी नहीं रहेगा, और ये इसका वैल्यू है 500 रुपये क्विंटल। अब आप देखो आप, तो इसलिए मैंने आपको बोला था कि अगर आपने स्टॉक किया हुआ तो उसको ओपन करके देख लो कि अंदर से कालापन तो नहीं आ रहा। पता लगा 500 क्विंटल, 500 बोरी या 100 बोरी जो भी आपने मान लो स्टोर किया हुआ है, और उसमें पता लगता है कि उसमें इस तरह का अंदर खराब हो रहा है, तो ये वैल्यू आपकी 500 कोड़ी की रह जाएगी। सही बोल रहा हूँ? जो वैल्यू, ये मान के चलो अगर ये सफेदी में होता तो कितना होगा, 8-10 हज़ार रुपये तो जाता। अब ये कितना हो गया? 500 रुपये। 8-10 हज़ार की चीज़ कितने में हो गई? 500 रुपये में। क्यों हुई? क्यों हुई? खराब हो गई। क्यों खराब हुई? मौसम से खराब हो गई। यूँ तो मौसम के अलावा भी और कोई दिक्कत थी कि नहीं थी? अब दादा ने बात सही पकड़ी। अब आप बोलोगे ये इसकी खराब, ये खराब हुई, वो खराब क्यों नहीं हुई? भाई ये गीली की गीली क्या कर दी होगी, अंदर पैक कर दी होगी, और ये 500 रुपये में काम हो गया तुम्हारा। मेहनत करी इतने पूरे 4-5 महीने और लास्ट में आके मिला क्या इसमें 500 रुपये? किसके लहसुन है दादा? इधर आओ, शर्माना नहीं है। आप लेके भी इस तरह का माल आ रहे ना, तो इसमें भी चटनी करके लेके आ जाओ भाई। जो अच्छे अगर लेके आते हैं तो कम से कम 3-4 हज़ार तो हो जाते। देखो इसमें कुछ अच्छा भी है, ये देखो आप, ये देखो ये अच्छा है कि नहीं है? तो ये छटा लेते, अगर छटवाते भी 300-500 रुपये ले लेती छाटने वाली कोई भाई, उससे ज़्यादा निकल जाता अपना। तो ये ध्यान रखो किसान भाई। ये देखो आप, ये देखो ये अच्छी है कि नहीं? कुछ ये बहुत सारी अच्छी है। अब ये अच्छी कितने में जाती? कम से कम 4-5 हज़ार में तो जाती ना, 5-6 हज़ार। किसान भाई दुख होता है जब कहीं ना कहीं इस तरह का होता है, तो थोड़ा ये विशेष ध्यान रखो। आप अच्छी अच्छी साइड में कर लो। देखो मैं कितने सारी अच्छी अच्छी साइड में कर सकता हूँ अभी, पर आपने घर पे फटाफट, अपना समय नहीं है। एक भाई को पैसे दे देते बेचारा, उसका घर भी जल जाता, तुम्हारा भी 5-6 हज़ार हो जाता काम। देखो 500 वाले किसके कोई बोल भी नहीं रहा, तो ये शर्माने वाली बात नहीं है। अपने को कहीं ना कहीं आगे के लिए ध्यान रखना, इसलिए बात हो रही है। मुझे इतना दुख हुआ उस चीज़ से। अब मुझे पता कुछ किसान भाई ये भी बोलेंगे, हम आप क्या कर सकते हो या कोई क्या कर सकता है अगर मान लीजिए ये ऐसा होगा वैसा होगा। तो मेरा बोलना, देखिए ख़राब हो रही है चीज़, क्या हो रहा है उसमें कोई ऐसा नहीं कि नहीं कर सकता, लेकिन कुछ चीज़ों का ध्यान तो रखा जा सकता है। कुछ चीज़ें क्या, जैसे मान लो आपने जब कहीं ना कहीं लहसुन जब कट्टे में भरा होगा आपने, उस समय कहीं ना कहीं पूरी तरह से गीला जो माल है उस समय आपने वो भर दिया होगा, तो वो उस कारण काला पड़ रहा है। तो मेरा बार बार आपसे एक ही निवेदन है, हालांकि देखिए मेरा काम आप तक भाव लेके आना, लेकिन जो इमोशनली या मैं भावनात्मक रूप से हम लोग एक दूसरे से जुड़ चुके हैं, तो जब मैं देखता हूँ यार 500 रुपये क्विंटल लहसुन गया, तो फिर दुख होता है कि जहाँ 18,000, 16,000, 12,000, 15,000, और वो उस तरह का माल जो अगर देखा जाए तो 6-7 हज़ार रुपये क्विंटल तो जा सकता था, पर कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये क्विंटल गया। क्या कारण? तो अब दुख होता है इस चीज़ के लिए कि अब क्या किया जाए। तो किसान भाइयों, मेरा आपसे एक ही हाथ जोड़ के निवेदन है कि अगर आपने स्टॉक भी किया हुआ है तो उसको आप चेक करो कि कालापन तो नहीं आ रहा उसमें,
थोड़ा बहुत हमने 4 महीने 5 महीने तक मेहनत करा उस लहसुन के ऊपर, लहसुन बनाया है, भाव इस बार बहुत अच्छा है, बस ये छोटी सी गलती ना करें और उसको देख लीजिएगा, बीच बीच में देखते रहिए, ज़्यादा नहीं तो बीच बीच के कट्टे देखते रहिए बीच बीच में कि कोई ख़राबी तो नहीं आ रही है, कोई कालापन तो नहीं आ रहा है, और अगर ऐसा हो रहा है तो कोशिश कीजिएगा कि जो एक दादा ने इससे पहले किसान की बात किसान के साथ में उन्होंने तरीका बताया था कि आप कहने के उस लहसुन को धूप में सुखाइए, और अभी देखिए जितना धूप में सुखाएंगे वो कहीं ना कहीं थोड़ा मॉइस्चराइज उसका ख़त्म होगा, कालापन अगर आ गया होगा तो वो तो थोड़ा दिक्कत आएगा, हो सकता निकलने में, लेकिन उसको बाकी को तो बचाया जा सकता है। तो विशेष रूप से ध्यान रखिए, क्योंकि मैं भी जब इस तरह के वीडियो बनाता हूँ तो मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा दुख होता है, और आज वीडियो में आपने देखा होगा कि जब मैं किसान भाई से पूछ रहा हूँ किसका माल है तो कोई बता भी नहीं पा रहा था, क्योंकि उसको भी समझ में आ रहा था कि कहीं ना कहीं यार ये बहुत कम गया यार, ये तो ये या हो सकता है कि मेरी गलती है, क्या गलती है, वो शायद ये सोच रहा था। तो देखिए किसी की गलती नहीं है, बस थोड़ी सी जानकारी का अभाव था, जो जानकारी कहीं ना कहीं आपने नहीं रखी और वो कहीं ना कहीं आपने ध्यान नहीं दिया, ध्यान आपने दिया, मैं नहीं बोल रहा ध्यान नहीं देते किसान भाई, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत चूक हो गई, और वो चूक इतनी ख़तरनाक हो गई कि जो लहसुन 7,000-8,000 तक जा सकती थी वो मात्र 500 रुपये गई, तो फिर दिल को तो दर्द होगा ना यार, क्योंकि मैं रोज़ आपके लिए कहीं ना कहीं वीडियो बना रहा हूँ, रोज़ चीज़ें लेके आ रहा हूँ, रोज़ कोशिश ये रहती है कि किसानों को भाव मिले ज़्यादा से ज़्यादा, और जब वो कहीं ना कहीं नहीं मिलता तो दिक्कत आती है। तो ये विशेष रूप से आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए किसान भाइयों, क्योंकि इन चीज़ों से दुख होता है कहीं ना कहीं, इच्छा नहीं होती शूट करें इस तरह के वीडियो, लेकिन कारण ये होता है कि उसको दिखाया जाना चाहिए कि क्या कंडीशन रह सकती है, और ये स्पेशली वीडियो मैंने आपको इसीलिए बनाया कि इतनी मेहनत से आपने काम किया है और वो मेहनत बेकार ना हो जाए, तो बीच बीच में आपने अगर स्टॉक भी किया तो उसको देखते रहिए, मैं निवेदन कर रहा हूँ। साथ में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि अगर आप छटने वाले जो साफ़ सफाई करते हैं उनको अगर 500-600 रुपये दे देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उसमें, बल्कि आज जो किसान भाई लेके आया था उसमें कुछ अच्छा माल भी था, लहसुन का कुछ अच्छी कैटेगरी वाला माल भी था, वो साफ उसमें निकाला नहीं है, शायद हो सकता वो निकालता तो अगर मान लो 5 कट्टे थे तो 5 कट्टे में से मान के चलो 1 या 1.5 कट्टा तो कहीं ना कहीं वो अच्छा वाला माल निकलने की संभावना थी उसमें से, और अगर वो निकाल लेते तो नहीं करते करते 5 या 6 हज़ार रुपये तो चला जाता हो, अब वो सारा 500 रुपये में चला गया। अगर 5,000-6,000 भी निकालते और उसमें से 500 रुपये या 1,000 रुपये किसी को बिनने वाले को दे देते तब भी हमारा 4,000 का फ़ायदा हो जाता उसको। तो ये विशेष रूप से ध्यान रखिए कि लहसुन काला न पड़े, वरना आप बोलेंगे भाव क्यों नहीं मिल रहा, तो देखिए जितना सुंदर कपड़ा होता है उतना ही अच्छा उसका कहीं ना कहीं वो दिखता है, सेम चीज़ लहसुन में है, जितना लहसुन या प्याज जो भी है जितना अच्छा कपड़ा होगा उतना ज़्यादा उसका रेट मिलेगा। ज़्यादा सही बोल रहा हूँ, गलत तो नहीं बोल रहा हूँ। तो ये विशेष रूप से ध्यान रखो, कालापन मत आने दो, मैं निवेदन कर रहा हूँ बार बार, बाकी आपका माल है लेकिन दुख मेरे को भी होता है अगर आपका माल कम बिकता है तो। मेरी बात अलग है कि मैं हंसी मजाक के साथ चीज़ें बनाता हूँ, मैं कोशिश हमेशा यही करता हूँ कि जब जो भी चल रहा है जीवन में उसको हंस के ही निकाला जाए, क्योंकि जिन चीज़ों पर आपका कंट्रोल नहीं है अपन वो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन जिन पर हमारा कंट्रोल है उनको तो हम कर सकते हैं। तो बस ये विशेष रूप से ध्यान रखिए, बाकी जय जवान जय किसान जय बलराम।